आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान बहुत ईजी है। इस रेसिपी को आप विद इन 10 मिनट्स में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन के डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी की मदद से हम एक लिक्विड बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा थिक चाहते हैं तो आप इसमें पानी मत डालिएगा, अगर आप इसको थोड़ा लिक्विड चाहते हैं तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें सब्जियां लेंगे, 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर। उन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। उनको भी हम इस बैटर में मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसमें हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। अगर आपको लगता है आपका जो बैटर है वो ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा ढीला है, तो आप इसमें उसको बेसन को ऐड करके इसको गाढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पैन ले लेंगे, जिसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। हम तेल को गर्म होने देंगे और बैटर में हम 1 ब्रेड का पीस डाल के उसको हम अच्छी तरह इसमें डुबो देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह इसको कर लेंगे। हम इसको पैन पे डाल देंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। एक साइड पकने के बाद हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे, उसको अच्छी तरह हम पका लेंगे। गाइस, हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छी तरह पक के तैयार हो चुका है, अब हम इसको करेंगे सर्व। तो गाइस, कैसी लगी आपको ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी? इसको बनाना बहुत ही आसान बहुत ईजी है। गाइस, जब भी आपका चाय पीने का मन करे आप इस रेसिपी को बना के उसके साथ खा सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय गाइस।